वो मेरा बेड है लास्ट वाला। ये मेरा फोन है जिससे मैंने शुरुआत करी थी, इससे मैंने लाखों में सब्सक्राइबर कर लिए। Check the mic and make sure it sound right, boys. दोस्तों, लोग सिर्फ सक्सेसफुल स्टोरी देखना चाहते हैं, लेकिन उनके पीछे स्ट्रगल, उनकी हार्डवर्क ये नहीं देखना चाहते। वैसे आज हम हाजिर हैं एक ऐसे यूट्यूबर के पास जिन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया और आज वो एक ऐसे मुकाम पे जो करोड़ों रुपए छापते हैं यूट्यूब से। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे साथ हैं जुन्नू भाई, जिनका नाम है अरमान जुनैद। थैंक यू भाई। तो उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है और बहुत ज्यादा मेहनत भी किया है, आज करोड़ों हिंदुस्तानियों पे राज भी करते हैं और बहुत ज्यादा घर भर के पैसा छाप रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको दिखाएंगे इनकी स्ट्रगल लाइफ। जी हाँ दोस्तों, कैसे वीडियो बनाते थे और इनका सेटअप भी कहाँ पे खंभा गाड़ के वीडियो बनाते थे। चलिए आइए पहले आपको दिखाते हैं। आज मैं आपको अपना सेटअप टूल दिखाने वाला हूँ। यार देखो यार, गरीबों का सेटअप टूल देख लो यार, कैसे कैसे वीडियो बनाता हूँ। देखो पहले एक बात मैं आपको बता दूँ, मेरा सेटअप टूल कोई भी फिक्स नहीं है, कहीं पे भी मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर देता हूँ, जहाँ पे भी दिखा वहीं पे। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ट्राइपॉड कौन सा यूज करता हूँ, माइक कौन सा यूज करता हूँ, वो सभी कुछ आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। आप भी इस वीडियो पे बने रहिए, सब कुछ दिखा दूंगा। सो गाइस, सबसे पहला आप ट्राइपॉड देख लीजिए, ट्राइपॉड कैसे मैंने फिट किया हुआ है। और सबसे पहले शुरू करते हैं मेरे रूम से। ये रूम का व्यू आपको कुछ ऐसा दिखेगा, और यहाँ से जैसे मैं ऊपर करता हूँ ना, वो जहाँ से लाइट आ रही है वहाँ पे मेरा ट्राइपॉड रखा हुआ रहता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे वहाँ पे मेरा ट्राइपॉड रखा हुआ रहता है। ये ट्राइपॉड हुआ जो कि 300 कुछ रुपए का मैंने लिया था, साथ में लेंस भी मिले थे इसलिए महंगा था। इसको मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे रख लेता हूँ। अभी देखो फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ ना, इसलिए यहाँ पे फ़ोन नहीं लगा हुआ है, फ़ोन इसमें है फिट करके। और इसमें दिखाता हूँ मैं, देखो ये जो नीचे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे नीचे माइक रखा हुआ, और वो मेरा बेड है लास्ट वाला। मैं आपको दिखा दूँ कैसा मेरा बेड है, क्या हालात बनाए हुए हूँ। सो गाइस, कैसा लगा आपको ये सेटअप टूर बताना एक बार कमेंट करके, ठीक है बताना यार, कोई ज़्यादा खास नहीं है। देखो एक बोया का बस माइक है मेरे पास, और साथ में एक गोरिल्ला पॉड है जो कि लोकल वाला है, और साथ में मेरे पास एक भीको का फ़ोन है, और बस ऐसे ही करता हूँ, ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। तो फाइनली गाइस, आपने देखा ये कैसे वीडियो शूट करते थे, और आपको मतलब अंदाजा हो गया होगा कि कैसे हार्डवर्क किया। मैं कभी ना अपनी वीडियोस देखकर खुद मोटिवेट हो जाता हूँ। नहीं वैसा काम ही किया है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इनका अब का सेटअप, पहले से अब का कितना ज्यादा डिफरेंट है। मैं आपको बताता हूँ, मैं ना अभी रेंट पे रहता हूँ, तो मैं नहीं चाहता यहाँ पे ज्यादा पैसा लगाऊ, फिर भी मैंने ठीक ठाक लगा लिया। और जो मैंने घर पे बनाया स्टूडियो का मैं वीडियो सेंड कर दूंगा आपके पास, वो देखना, वो मैंने सबसे पूरी जान लगा दी थी उसमें। अच्छा, मतलब घर पे भी सेटअप बनाया था। वो मैंने बना लिया था, बट वहाँ पे ना मेरा काम नहीं चल पाया, इसलिए क्योंकि भाई एक टाइम पे ना अपग्रेड करने के लिए बाहर निकलना ही पड़ता है, तो मैं वहाँ से दिल्ली आ गया, तो ये मैं स्टूडियो कर रहा हूँ जो भी। दावे, मैंने आपको एक बार तो बोल दिया, एक बार और बोल रहा हूँ, लाइक्स की बारिश हो जानी चाहिए इस वीडियो पर, और आज मैं इंट्रो नहीं दूंगा। तो चलिए चलते हैं अंदर। सबसे पहले मैंने गेट ओपन किया, ओपन करने के बाद कुछ ऐसा नजारा रहता है हमेशा। तो अब आप यहाँ पे साइड में देखोगे तो मैं जुगाड़ लगा के रखता हूँ। ये देखो भाई, मेरे पास अकोस्टिंग फॉर्म पड़े हुए थे, तो मैंने उनको यहाँ पे एक स्टूल पे रखे, और उसके बाद मैंने यहाँ पे RGB लाइट लगाया हुआ है, और इसमें मस्त मस्त कलर है बहुत सारे, और इसका रिमोट रखा हुआ है, इससे मैं इसके कलर चेंज करता हूँ। तो अब यहाँ से साइड में चलते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा वो वाला लैपटॉप रखा हुआ है जो मेरे को मेरे डैड ने गिफ्ट किया था। रुको पहले मैं लाइट ऑन कर लेता हूँ एक दो। और यहाँ पर रखा हुआ है मेरा वायरलेस माउस, और इससे मैं कभी कभी लूडो खेल लेता हूँ। अब यहाँ से ऊपर की साइड चलते हैं, तो यहाँ पे रखा हुआ है ये वाला लेंस, बट ये लेंस नहीं है, इसको हम ऐसे उछाल के कहीं पे भी फेंक देते हैं। बाय द वे ये एक मग है। यहाँ से ऊपर जाओगे तो खाली मिलेगा, और इससे ऊपर भी खाली मिलेगा, बट ये वाला खाली नहीं है, ध्यान से देखा कुछ रखा हुआ है। यहाँ से साइड में चलते हैं, तो लगा हुआ है एक मिरर, बट
उससे पहले आप यहाँ पे नीचे की साइड देखो और यहाँ पे रखी हुई है मेरी चेयर जिसपे बैठकर मैं वीडियो बना लेता हूँ कभी कभी, कभी कभी इस पे बनाता हूँ और कभी कभी दूसरी वाली पे बनाता हूँ। अब आप यहाँ पे देखो भाई, ये चेयर काफी अट्रैक्टिव है, मतलब काफी कंफर्टेबल है यार। इस पे आराम से सुकून से बैठ सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। रुको जरा, सबर करो, सिनेमेटिक शॉट बाद में दिखाऊंगा, पहले सब कुछ दिखा देता हूँ कि रूम में क्या क्या है। बाय द वे रूम नहीं, मैं इसको स्टूडियो बोलता हूँ, और कोई भी सब्सक्राइबर मिलने के लिए आता है मैं सीधा ऊपर लेकर आता हूँ। ओके ओके, ज्यादा बोर नहीं करूंगा, अब चलते हैं। वहां पे बैठकर अपना वीडियो शूट करता हूँ। ये फोकस सीधा मेरे फेस पर करती है, रिंग लाइट मेरे फेस पर पड़ता है और कैमरा सही तरीके से फोकस कर लेता है। मैं वहां से एंट्री होती है, वहां से एंट्री होने के बाद अगर फ्रंट पे देखोगे तो वहां पे देखो सबसे पहले ये नजर आता है, माशाल्लाह। तो यहाँ पे ये पीवीसी पैनल है, शायद ऊपर की साइड देखोगे तो यहाँ पे मैंने फॉल सीलिंग करवाया हुआ है, वो भी मैं आपको अच्छे से दिखा दूं। व्हाइट व्हाइट हो चुका है सब तरफ। रूम में एंट्री यहाँ से होती है। अब चलते हैं साइड वाली वॉल पर। तो यहाँ पे बॉक्स रखा हुआ है मेरे पास, बाकी कुछ रखने के लिए नहीं है। यहाँ पे बॉक्स रखा हुआ है और यहाँ पे भी बॉक्स रखा हुआ है, और ये सब खाली बॉक्स है, और ये स्क्रिप्ट है इसमें बहुत जरूरी। अब आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का लुक आता है, और ये मेरी वो वाली चेयर है जो मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम अपने पैसों से बाय की। बैठ के एडिटिंग क्या करता था वो इसलिए बिकॉज अच्छा लगता था, लेकिन क्या हुआ कि ये जो एसी है ना भाई, ये सीधा का सीधा यहाँ से वहां पे फेंकता है हवा ठंडी ठंडी, तो भाई वहां से फिर बार बार इसको बंद करनी पड़ती है, इसलिए मैंने अपना एडिटिंग का सिस्टम सारा का सारा इधर किया हुआ है। दिखा देता हूं, कुछ इस तरीके का व्यू आता है इस साइड का, और ये मेरे को सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। इससे ऊपर की साइड देखेंगे तो यहाँ पे कोप लाइट मैंने लगाया हुआ है, ये गोल्डन कलर का है, और यहाँ पे ब्लू कलर का मैंने इसलिए लगाया था बिकॉज मेरे को ब्लू कलर भी ठीक ठाक लगता है। ये वाला वॉल भी काफी सही लगता है मेरे को, बताए मेरे को तो सब कुछ सही लगता है। अब आप देखो आपको क्या सही लग रहा है। Check the mic and make sure it sound right, boys. उससे पहले हम बताते हैं जो भाई ने जो मतलब 1 मिलियन का जो चैनल खड़ा किया है वो सिर्फ एक फोन से, वो फोन अभी भी भाई के पास है, वो आपको हम दिखाते हैं। ये रहा भाई, ये देखिए गाइस, ये मेरा फोन है जिससे मैंने शुरुआत करी थी, इससे मैंने लाखों में सब्सक्राइबर कर लिए थे। कौन सा फोन है? ये Vivo Y55S, और ये मैंने पता कैसे लिया था, पेटीएम से पैसा कमा कमा कर, आधे पैसे घर वालों से लिए और आधा पैसा खुद घर वो खुद से कमा के तब लिया था मैंने। तो भाई यूट्यूबर बनने के लिए आपके पास अच्छा गिम्बल अच्छा कैमरा मैटर नहीं करता। कोई मेरे पास ना गिम्बल ना कुछ, ट्राइपॉड तुम मैं एक वीडियो में दिखाया भी हूँ, जो मच्छरदानी आती है ना उसकी लकड़ियाँ होती है, मैंने उसका ट्राइपॉड बनाया था, उसका ट्राइपॉड बना के एक सेल्फी स्टिक ऊपर से लगा दी और उसमें ये वाला मोबाइल लगा के वीडियो शूट करता हूँ। मतलब क्योंकि घर वाले भाई पैसे देते नहीं थे, कौन विश्वास करता है छोटे से बच्चे पे। पैसा कमाने की बस एक वो थी कि पैसा यूट्यूबर बनना है, पैसा कमाना है, और भाई ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल भी किया टिकटॉक की वीडियो तो कहीं कुछ और कहीं टिप्स भी देते थे, अलग अलग तरीके से मैंने ट्राई करा भाई, जिससे कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स मिली। चलिए आइए पहले आपको मैं स्टार्टर दिखा देता हूँ क्या क्या इनके पास है। भाई थोड़ा डीपली हमें बताएं क्या क्या आपके पास है। देखो मैं बताता हूँ, मुझे ना इन चीजों के बारे में इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी, तो ये जो सिस्टम है ना इसमें अराउंड क्या 32 GB रैम है इसमें, और काफी हाई प्रोसेसर है इसका। इसमें मैं एडिटिंग करता हूँ, इसमें सारा एडिटिंग का मेरा इसमें रहता है, प्रीमियर प्रो से एडिटिंग करता हूँ ना, सब इसमें रहता है मेरा एडिटिंग का। हाँ तो गाइस एक टाइम था जब इससे ही शूट होता था, इससे एडिट होता था, अब कैमरे से शूट होता है, अच्छे माइक से शूट होता है, और यहाँ पे जो देख रहे हो ना प्रीमियर प्रो से एडिटिंग होता है, इसमें काफी मेहनत लगती है भाई एडिटिंग करने में। तो ये सब ना इस मोबाइल की वजह से हो पाया, अगर मैं उस टाइम भाई सोचता यार इससे तो नहीं हो पाएगा। अभी काफी सारे लोग सोचते हैं इससे अच्छा अच्छा मोबाइल होता है फिर भी नहीं कर पाते, गिम्बल चाहिए माइक चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बाकी इधर थंबनेल वगैरह बन जाता है कभी, मतलब थंबनेल इससे बनाते हैं एडिटिंग से करते हैं, कभी-कभी मोबाइल से भी थंबनेल बनाना पड़ जाता है। बाकी इधर सॉफ्ट बॉक्स लाइट रखी है, और ये जो अलमारी है ना ये सारी की सारी जो आप देख रहे हो इसमें सब का सामान भरा पड़ा है, सब में मतलब YouTube पर हां इस तरह YouTube से पॉसिबल है। देखो जैसे अरमान चले चैनल है ना मेरा, उसमें मोटो व्लॉगिंग करता हूं, तो उसका बाइक का सामान सारा नीचे पड़ा हुआ है, तो उधर अपने सिल्वर प्ले बटन लगा। आइए आपको दिखाते हैं भाई पास सिल्वर प्ले बटन गोल्डन। तो भाई ये रहा अपना सिल्वर प्ले बटन और ये रहा गोल्डन प्ले बटन। जब आया था मतलब उसकी खुशी कैसे थी? बस भाई मैं क्या होता हूँ, एक्साइटमेंट हो रही थी, मतलब घर तक भी नहीं आया था, रस्ते में मैंने खोल के देख लिया था होता कैसा है ये सिल्वर प्ले बटन। तो मतलब YouTube पे आप कब से काम कर रहे हैं? थोड़ा मैं YouTube से 2019 से मैं रेगुलर हो गया था, 2017 में चैनल बनाया वो इरेगुलर। एक बात बताता हूँ मैं आपको, जब 10,000 व्यूज पे चैनल मोनेटाइज हो जाता था मैं तब से काम कर रहा हूँ। जब आया अपडेट कि आपको वो करना पड़ेगा 4,000 घंटा, मैंने यूट्यूब छोड़ दिया। तो 2019 में मैंने दोबारा शुरू करा,
कि भाई अब तो करना ही पड़ेगा पैसा कमाना है वरना वही जॉब करते भाई। तो ये सब अपना एक लैपटॉप ऐसे भी मैं एडिटिंग करता था, अभी तो सब उल्टा सीधा हो रहा है, बिकॉज जब वीडियो शूट करता है ना पता नहीं चलता क्या सामान कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो मतलब YouTube पे आप काम कर रहे थे तो घर से मतलब क्या परमिशन वगैरह कुछ थी? घर से कोई परमिशन नहीं थी, घर वाला छुप के काम कर रहा है। अच्छा। तो जब अच्छा पहले पेमेंट आई थी तो घर वालों में क्या रिएक्शन था? घर वालों का, घर वाले ऐसे है YouTube से पैसा आता है उनका रिएक्शन मतलब वो शौक थे एक तरीके से कि यार YouTube से पैसा आ गया। मैं बताऊं तो विश्वास ही नहीं करते थे, बट उनको पता चल गया जब पेमेंट आया, जब भी उनका विश्वास हुआ। तो अभी क्या हाल है उनका, मतलब क्या अभी तो फील हो रहा है? बस अब तो प्राउड ही फील करेंगे। अरे वाह बढ़िया है, और हमें भी अच्छा सा लगता है भाई। लेकिन हमारे माँ बाप ने भी तो हमारे लिए बहुत कुछ किया है ना। तो अभी महीने में कितना कमा लेते हैं? अरे महीने में भाई इतना हो जाता है कि अगर हम कुछ लेना चाहें आसानी से ले सकते हैं, सोचना नहीं पड़ेगा। तो अब हम पूछने वाले एक ऐसा सवाल कि जुन्नू भाई शादी कब कर रहे हैं? जुन्नू भाई को भी लड़की नहीं मिल रही ना भाई यार ऐसा लग रहा है। हाँ हाँ जब कोई लड़की मिल जाएगी जल्दी करें तो बरात रात जाने में मिले हमको वंशु भाई को बुलाओगे सब यूट्यूबर्स को बुलाएंगे भाई। ये है हमारे जुन्नू भाई जिनका सेटअप आप देखें और इनका पुराना भी वीडियो देखें कैसा था, कैसे स्ट्रगल किया और आज अच्छी लाइफ दे रहे हैं, अच्छी बाइक है, स्क्रीनशॉट देख सकते हैं उसका, मैं एक अलग ब्लॉग बना दूंगा थोड़ी सी क्लिप यूज करके। तो ऐसा करते हैं आपको भी अच्छा लगा होगा अगर आप और भाई भाई को भी सपोर्ट करो। मैं लिटरली भाई का चैनल को देख रहा था तो भाई काफी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग सपोर्ट करो, वीडियो को देखा करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑन पर प्रेस करो। देखो अगर आप किसी और को सपोर्ट करोगे तो लोग आपको भी सपोर्ट करेंगे, तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को लाइक।